दर्शकों स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बिना समय गवाए हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। मैं आज आपके साथ बात करूंगा सूर्य के साथ में राहु की युति। देखो, राहु एक ऐसा एक ग्रह है। राहु के बारे में अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहकाग्र शंभूतम तम राहु प्रणमाम्य। राहु के बारे में चर्चा आती है कि राहु एक तो अर्धकाय है, आधा शरीर आप सब लोग जानते हैं, उसी का दूसरा हिस्सा केतु होता है, क्योंकि ये स्वरभानु नाम का दैत्य था और भगवान ने जो है इनका सिर्फ छेदन किया था, इसलिए दो भाग में यह विभक्त हो गया था। अब आप समझ सकते हैं कि राहु एक तो दो हिस्से में, राहु और केतु दो भाग में है, दूसरा फिर भी महाबलवान है और इतना बलवान है कि सूर्य जैसे प्रबल प्रतापी ग्रह को भी यह ग्रसित कर लेता है, उसको भी ग्रहण कर देता है। और इसीलिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की भी जो व्याख्या है, परिभाषा है, वो भी इसी रूप में देखी जाती है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर कि सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रस सकता है, ऐसे में सूर्य का जो फल है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सूर्य आपका यहां पर बलवान है कुंडली के अंदर, तो फिर ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, वह दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां पर प्रबल है, तब इसकी जो दशा आएगी या कुंडली के अंदर है, उसका कम फल आपको प्राप्त होगा, उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य वहां पर कमजोर है, तो फिर ऐसी स्थिति में राहु यहां पर ज्यादा प्रभाव इसका रहेगा। ऐसे में सबसे पहले तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं मान सम्मान अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता, और प्राप्त कर पाता है तो स्थिर रूप से नहीं कर पाता। इसी के साथ आत्मविश्वास की कमी, पिता के साथ वैमनस्यों की स्थिति देखी जाती है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कभी भी कुछ ऐसे डिसीजन जो है अपने जीवन में नहीं ले पाता कि जो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए हो। अगर वह निर्णय लेता है, क्योंकि राहु यहां पर हमेशा भ्रांतियां पैदा उत्पन्न करता है, और ऐसे में व्यक्ति सटीक निर्णय नहीं ले पाता, जिससे उसके आगे जाने के जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये बहुत सारी स्थितियां जन्म कुंडली के अंदर होती हैं जिनको देखकर निर्णय करना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से इसका फल था। आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।